साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बैकुंठपुर क्षेत्र की चर्चा कोलियरी में पिछली रात 25 की संख्या में आए कोयला चोरों ने गाली गलौज करने के साथ कर्मचारियों को घेर लिया। चोर अपने साथ हथियार भी रखे हुए थे। इस दौरान पथराव करने से एसएसएल के एक अधिकारी और कुछ सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। सब एरिया मैनेजर केपी मंडल ने बताया कि चोरों की हरकतें कुछ दिनों से यहां पर बढ़ गई हैं। घटना में घायल हमारे कर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद अपोलो शिफ्ट किया गया है। दिल्ली चोर लोग आते हैं, कोयला चोरी करते हैं। कल 4:30 बजे हमारे पास खबर आया, ये 25-30 आदमी कोयला चोरी करने शुरू किया। इमीडिएटली हमारा सिक्योरिटी गार्ड, हमारा जस्ट मैनेजर इंचार्ज, उन लोगों को हमें इन्फॉर्म किया। हम भी खुद चला गया सबको लेके साइड में। साइड में जाने के बाद वो लोग थोड़ा पीछे हट गया है। सडनली वो लोग 25-30 आदमी था, हम लोग 7-8 आदमी थे, वो लोग हम लोग को घेरा कर लिया। सडनली बैक हुआ, हाथ में हथियार था, हाथ में लाठी तलवार एंड उसके साथ कुराली भी था। सब लेके हम लोग को घेर लिया है। तब तो हम देख लिया हम लोग इन लोगों से नहीं सकेंगे। हम लोग सबको बोले चलो आप लोग पीछे जाओ। तो लोग क्या क्या पत्थरबाजी भी करने शुरू किया है। पत्थरबाजी कर जब शुरू किया है, जब हम लोग को भी आके लग रहा था, तब तो हम लोग सिक्योरिटी गार्ड को बोले आप लोग चलो पीछे जाओ। तो एक सिक्योरिटी गार्ड को लोग पकड़ लिया, पकड़ के वो लोग मारना शुरू किया। तो वो उसके बाद हम लोग उसको लेके जब देखा, उसको बहुत गंभीर चोट था। इमीडिएटली उसको लेके हम लोग हॉस्पिटल में आए। ये रेगुलरली चोरी हो रहा है, हमारा कोयला चोरी हो रहा है सीएसपी से। हम लोग हर बार हर दिन ऑलमोस्ट एफ आई आर कर रहे थाना में। स्थानीय पुलिस का बिल्कुल सहयोग नहीं रहता है, असफल रह रही है। अभी तक ऐसा हम लोग कुछ देखा नहीं है जो कोयला चोरी रोकने के लिए ज्यादा कोई एक्शन हम लोग नजर में नहीं आ रहा।